आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। जीएसटी में नए व्यापारियों के लिए अगले वर्ष से आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, उज्जैन, सांवेर, देवास और पीथमपुर तक मिलेगी मेट्रो की सुविधा। भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान का आकलन शुरू। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला आज धर्मशाला में खेला जाएगा। और प्रादेशिक समाचार एकांश की खास पेशकश अच्छी खबर में आज सुनिए कचरा उठाने के लिए जबलपुर नगर निगम की पहल पर विशेष रिपोर्ट। और अब समाचार विस्तार से। नए व्यापारियों के लिए अगले वर्ष जनवरी से आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य वस्तु और सेवा कर में गड़बड़ियों को रोकना है। जीएसटी नेटवर्क मंत्री समूह के अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बेंगलुरु में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पहले आधार सत्यापन वैकल्पिक था। श्री मोदी ने बताया कि पिछले दो वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी इनवॉइस दिए जाने को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि लोग आधार प्रमाणन नहीं चाहते हैं। जो लोग आधार प्रमाणन नहीं चाहते हैं उन्हें स्वयं जाकर सत्यापन कराना होगा और ये प्रक्रिया 3 दिन में पूरी होगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी नेटवर्क ने इस वर्ष 24 सितंबर से एक ही स्रोत से पूरी तरह ऑनलाइन रिफंड व्यवस्था का फैसला किया है। जीएसटी परिषद की अगली बैठक 20 सितंबर को गोवा में होगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल इंदौर में 7,500 करोड़ रुपए की लागत वाली मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना से प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शहरी परिवहन के नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। इस परियोजना के अंतर्गत 31.55 किलोमीटर का लंबा कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। मेट्रो के रास्ते का अधिकांश हिस्सा जमीन के ऊपर होगा जबकि कुछ हिस्सा भूमिगत होगा। जानकारी के मुताबिक इस मार्ग पर 29 स्टेशन बनेंगे। इस परियोजना का कार्य चरणबद्ध तरीके से अगस्त 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन, सांवेर, देवास और पीथमपुर तक लोगों को मेट्रो की सुविधा मिलेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी को संभालने के लिए इंदौर के विस्तार की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कल इंदौर में आयोजित CII लीडरशिप कॉन्क्लेव में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अगले माह में मैग्निफिशेंट इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने राज्य भर में एक ही आउटलेट में चिकन और दूध बेचने की परियोजना शुरू की है। इसके लिए भोपाल में एक आउटलेट खोला गया है। पशुपालन मंत्री लाखन सिंह ने कहा है कि इसके खुल जाने से लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाले अंडे के साथ साथ दूध भी मिलेगा। वहीं भाजपा ने इसका विरोध किया है। पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि गाय के दूध को चिकन और अंडे के साथ बेचा जा रहा है, इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि हिंदी विश्वविद्यालय को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। राज्यपाल ने यह बात हिंदी दिवस पर कल भोपाल स्थित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के सत्र आरंभ कार्यक्रम के दौरान कही। श्री टंडन ने कहा कि हिंदी संस्कृत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति को विरासत में लिए हुए है और सारी दुनिया उस ज्ञान के लिए हिंदी की तरफ देख रही है। जरूरत हिंदी के प्रति समर्पण और सेवा की बनती है। इस अवसर पर उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने मंच पर ही राज्यपाल की बातों का अक्षरशः पालन करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न अवसरों पर देश विदेश से मिले उपहारों की प्रदर्शनी लगाई है और करीब 2,700 ऐसी वस्तुओं की इंटरनेट के माध्यम से नीलामी की शुरुआत की है जो 3 अक्टूबर तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ कल नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया। इस नीलामी से प्राप्त धनराशि का उपयोग नमामि गंगे अभियान में किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in देख सकते हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। अब आप प्रसार भारती के आधिकारिक ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी समाचार लाइव सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में कल लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इन अदालतों में समझौता योग्य प्रकरणों का आपसी सहमति के साथ निपटारा किया गया। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां आयोजित लोक अदालत में बिजली विभाग, बैंक और नगर निगम आदि के स्टॉल लगाए गए थे जिन पर राजीनामा के लिए पक्षकारों की दिन भर भीड़ रही। जिले में इस दौरान 965 मामलों का निराकरण किया गया।
उधर ग्वालियर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में आपसी सहमति से 86 मोटर दुर्घटना क्लेम्स अपील और 136 कंटेम्प्ट पिटीशन सहित कई मामले रखे गए। बड़वानी जिले में भी आयोजित लोक अदालत में 4 करोड़ से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। प्रदेश के सिवनी, भिंड, मुरैना, आगरमालवा, शाजापुर, रायसेन, डिंडोरी, छतरपुर, नरसिंहपुर और सीहोर सहित विभिन्न जिलों से लोक अदालत आयोजित किए जाने के समाचार मिले हैं। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। राज्य में अब तक बारिश की वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। सागर में जिला योजना समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश के 36 जिलों में भारी बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। श्री राजपूत ने कहा कि जहां अधिक बारिश हो रही है वहां पुलिस और प्रशासन को अलर्ट किया गया है। सरकार ने राज्य में 8,600 अस्थायी कैंप बनाए हैं जिनमें खाने पीने का सामान लोगों को दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जहां फसलों को नुकसान हुआ है वहां आकलन किया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले 1-2 दिन बाद भारी बारिश से कुछ राहत की उम्मीद जताई है। भारतीय क्रिकेट टीम का घरेलू सीजन आज से शुरू हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2020 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से भी प्रसारित किया जाएगा। इसे FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 6:30 बजे से सुना जा सकता है। आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचारों में इस बार अच्छी खबर जबलपुर नगर निगम से है। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार साबित हो सकती है। आज के अंक में आप जानेंगे जबलपुर में घर घर से कचरा उठाने और सफाई से जुड़े वाहनों की निगरानी के लिए ली जा रही तकनीकी मदद के बारे में। पेश है एक रिपोर्ट। स्वच्छता को लेकर प्रदेश में मानो मुकाबला चल रहा है और हर शहर नए प्रयासों के जरिए सफाई को बढ़ावा देने में जुटा है। अब तकनीकी सहयोग से भी इस मुहिम को नई गति मिली है। जबलपुर प्रदेश का पहला ऐसा शहर है जहां RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से घर घर से कचरा इकट्ठा करने की निगरानी की जा रही है। RFID सिस्टम की जानकारी देते हुए स्मार्ट सिटी परियोजना के डायरेक्टर संजय तिवारी ने बताया कि अभी जो RFID टैग जबलपुर शहर में लगाए गए हैं, निश्चित तौर पर उनका काम डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की मॉनिटरिंग का था। जब कचरे वाला घर तक आएगा तो एक वो रीडर लिया होता है, उस रीडर को वह उस चिप में छुलाता है तो इसका मतलब ये निकलता है कि उसने इस घर से कचरा कलेक्शन संग्रहण कर लिया है। पर जबलपुर शहर में लगभग 2,10,000 घरों तक हम लोग ये RFID टैग लगा चुके हैं। वही परियोजना के प्रशासनिक अधिकारी रवि राव ने बताया कि जल्द ही जिस घर से कचरा उठेगा उस घर के मालिक के मोबाइल पर मैसेज भी आएगा। जबलपुर शहर में कचरे वाली गाड़ियों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया गया है और कमांड एंड कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके तहत सुबह वेस्ट पिकर अपने साथ RFID रीडर लेकर जाते हैं और कचरा कलेक्ट करते ही RFID टैग को RFID रीडर से टच किया जाता है, जिसके थ्रू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से यह पता लगा लिया जाता है या ऐसा कहें कि पता चल जाता है कि घर से कचरा उठा लिया गया है। शहर में सफाई की इस नई व्यवस्था से आम लोग भी खुश हैं। यहाँ की रहवासी प्रेरणा ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की जो व्यवस्था की गई है वह काफी स्मार्ट व्यवस्था है, जिसके तहत लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है और अपने घर का जो कचरा है वो यहाँ वहाँ नहीं फेंकते हैं। जबलपुर नगर निगम की ये पहल सराहनीय है। अब बस जरूरत है दूसरे शहरों को जबलपुर नगर निगम से सीख लेकर आगे बढ़ने की, ताकि पूरा प्रदेश सफाई के मामले में अव्वल आ सके। अच्छी खबर के लिए जबलपुर से सुरभि तिवारी के साथ भोपाल से मैं दीपा सिंह। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। ग्वालियर जिले में दिव्यांग छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा में जिला प्रशासन मदद करेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने रायसेन जिले के बाढ़ प्रभावितों को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुरैना में चंबल नदी के पास कंटेनर में सो रहे 8 मजदूरों को बचा लिया गया है। ये मजदूर चंबल नदी में बहकर 40 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे। आगरमालवा जिले में बारिश से प्रभावित 750 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। शाजापुर में लगातार हो रही बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया है। कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह रावत ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। और नीमच जिले में गांधी सागर बांध का पानी करीब 50 गांवों में घुस गया।
एनडीआरएफ और सीआरपीएफ की मदद से लोगों को निकाला गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी में नए व्यापारियों के लिए अगले वर्ष से आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, उज्जैन, सांवेर, देवास और पीथमपुर तक मिलेगी मेट्रो की सुविधा। भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान का आकलन शुरू। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 मुकाबला आज धर्मशाला में खेला जाएगा। और प्रादेशिक समाचार एकांश की खास पेशकश अच्छी खबर में आज आपने सुनी कचरा उठाने के लिए जबलपुर नगर निगम की पहल पर विशेष रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। आकाशवाणी भोपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:30 पर। नमस्कार।